हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज है सैटरडे, तो आपको एवरी प्रोवाइड कर पोजिशनल ट्रेडिंग का स्टॉक तो आज भी आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो गाइस, वीडियो को लाइक करना, कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। और प्रीवियस नेक्स्ट वीक के लिए भी जो अच्छा खासा स्टॉक हुआ आपके सामने अभी हम पेश करेंगे, उससे पहले प्रीवियस वीक का जो स्टॉक दिया था उसका एनालाइज कर लेते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले निकाल लीजिए हिंदकॉपर का चार्ट। ओके, यह है हिंदकॉपर। मैंने आपको सिंपली बोला था 122.85 के नीचे हिंदकॉपर आपको शॉर्ट करना है। देखो, ये डेली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और सीधा अगर आप शॉर्ट करते तो आपको प्रॉफिट मिल जाता, तो फर्स्ट स्टॉप प्रॉफिटेबल। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? SBI कार्ड का। तो देखते हैं SBI कार्ड में क्या है लॉस प्रॉफिट। तो देखो गाइस, यहाँ पर भी प्रॉफिट ही है, बोला था 921.40 के नीचे शॉर्ट करना है आपको। देखो मार्केट कहाँ तक आया है, नीचे प्रॉफिटेबल दो स्टॉक। सीमेंस पे देखते हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों साइड के लिए मैंने दिया था आपको ये सभी स्टॉक। तो ये कौन सा है? ये है सीमेंस। तो यहाँ पर देखते हैं, आप देखिए यहाँ पर लॉस प्रॉफिट आपको दोनों तरफ 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखने के लिए कुछ दिक्कत हो रहा है ना गाइस? ओके, कोई बात नहीं। तो देखो गाइस, मैंने क्या बोला था आपको, सिंपल 60-70 के ऊपर बाय करना है। तो अगर आप बाय करते इस कैंडल पे तो यहाँ फर्स्ट टारगेट दिया था, फर्स्ट टारगेट हीट हो चुका है और डाउन साइड में भी जो टारगेट दिया था ऑलमोस्ट हीट हो चुका है। तो दो टाइम प्रॉफिट दिया है आपको ये स्टॉक। ओके, दो स्टॉक अभी तक प्रॉफिट दे दिया, तीन स्टॉक प्रॉफिट दे दिया, लास्ट है डिस्टीवी पे चलते हैं। तो गाइस, जिसने भी हमारा एनालिसिस फॉलो किया होगा और प्रॉफिट बुक किया होगा, काइंडली कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस, जहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर अच्छा खासा कॉल्स मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। और गाइस, इस संडे मैं आपके लिए लाया हूँ एक लाइव वेबिनार जो प्रीमियम होगा, वहाँ पर आपको गैप अप, गैप डाउन और ब्रेकअप ट्रेडिंग का सब कुछ सीक्रेट जो है वो रिवील करेंगे। उसी के साथ बहुत कुछ स्ट्रेटजी वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सिंपली बोला था कि हमें 20.10 के नीचे आपको शॉर्ट करना है, 20.70 के ऊपर आपको बाय करना है। और देखो यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट, बाकी और कुछ नहीं बताऊंगा, खुद से देखो, खुद से एनालाइज करो, उसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो ये है हमारे पास लास्ट नेशनल एलम। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, मैंने सिंपल क्या बोला था आपको, देखो क्या बोला था, 100.50 के ऊपर बाय करना है। अगर बाय करते फर्स्ट टाइम प्रॉफिट आपको मिल गया, सेकेंड टाइम भी प्रॉफिट मिला बाइंग साइड में, थर्ड टाइम भी आपको प्रॉफिट मिला। ओके, एक स्टॉक ने तीन बार प्रॉफिट दिया अप साइड में। और अब देखते हैं डाउन साइड के लिए, तो देखिए डाउन साइड के लिए भी एक बार प्रॉफिट आपको दे दिया। तो एक स्टॉक ने चार बार आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया है। तो हमारा एनालिसिस कुछ ऐसा ही होता है, अगर अच्छे से फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट जरूर मिलेगा। ओके, तो ये सब छोड़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीक आप कौन सा स्टॉक पर ट्रेड लोगे वो सब आपको बताते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मारिको का चार्ट निकालते हैं और आपको बताएंगे क्यों आपको बाय करना है। ओके, तो ये है वीकली चार्ट, सॉरी वीकली चाहिए हमको, ये डेली ऑफ हो गया है। ओके, तो ये हो गया है वीकली चार्ट। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे ये बताओ। सबसे पहले देखो, इंडेक्स गिर रहा है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है। और ये जो है अपने ऑल टाइम हाई से कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा है। और ये यहाँ पर मार्केट जब ऊपर गया था एक सपोर्ट बनाया था और इसने अपना जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर चुका है। अगर सपोर्ट ब्रेक किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो और कॉन्सिस्ट अपने जगह पर है अभी ये। ओके गाइस, एक मिनट। ओके, सस्टेन किया है इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट को हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके सस्टेन किया है। तो इसका प्रोबेबिलिटी है नेक्स्ट सपोर्ट तक आने का। नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा हो सकता है? ये एक इमीडिएट सपोर्ट है और नेक्स्ट ये वाला सपोर्ट है। तो यहाँ तक मार्केट फॉल हो सकता है, अदरवाइज यहाँ तक, ओके, इस पॉइंट तक आकर रिवर्स जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसके लो के नीचे सीधा ठोकेंगे। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, देखो ऑलरेडी 200 मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको लेवल्स देंगे, नोट डाउन करके रख लेना। ओके गाइस, नोट डाउन करके रखना जो जो मैं बोलता हूँ ध्यान से। ओके, मैंने बोल दिया बाय, 497.50 के नीचे आपको बाय नहीं, मैं भी पागल हूँ गाइस, सेल करना है, बाय नहीं करना है। और देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, नीचे गिरकर
थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। इसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे की तरफ भी जा सकता है। ऊपर जाएगा तो अगर इसको ब्रेक करता है तो अब बाइंग साइड के लिए जाना, बाइंग के लिए भी दूंगा मैं हर एक स्टॉक। ब्रेकआउट के लिए है, सॉरी ब्रेकडाउन के लिए है, फिर भी मैं बाइंग साइड के लिए भी आपको दूंगा। कब कौन सा क्या हो जाए, पलट जाए, किसी को नहीं पता। इसलिए अगर ऊपर भी जाएगा तब भी प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे भी जाएगा तब भी प्रॉफिट बुक करेंगे, हमको बस प्रॉफिट से मतलब है। ओके, तो मारिको का कंप्लीट हो। अब चलते हैं एचडीएफसी लाइफ पे। कुछ समझ में नहीं रहा तो कमेंट करके ज़रूर पूछना गाइज। ओके, बिल्कुल हिचकिचाना मत, कमेंट करके पूछ लेना जो भी जानना है। गैम्बलिंग मत करना, अगर समझ में ना आए तो ट्रेड लेकर पैसा बर्बाद मत करना गाइज, ठीक है। वीडियो अगर लंबा होगा तो देखना ध्यान से, स्किप मत करना, स्किप करोगे तो लॉस खुद का ही होगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखो मार्केट एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है और दोबारा मार्केट अपने सपोर्ट पे आ चुका है। तो सपोर्ट पे आ चुका है मतलब क्या होगा, यहाँ से रिवर्स करेगा अदरवाइज नीचे गिरेगा। ओके, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट ले चुका है, तो सपोर्ट थोड़ा सा वीक है और हाई वॉल्यूम के साथ आज मार्केट ने सपोर्ट को टच किया है। ओके, वीकली कैंडल है ये, तो डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इस सपोर्ट के नीचे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, एकदम सिंपल है। और टारगेट कहाँ तक लगाएंगे, इसके नीचे जो इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ तक हम टारगेट लेंगे। ओके, एकदम आसान तरीके से मैं समझाता हूँ गाइस, लोग तो सिखाने में बहुत कुछ सिखा सकते हैं, बट मैं वो सिखाता हूँ जिससे आपका प्रॉफिट हो, पॉकेट पे पैसा आए, वो सिखाता हूँ। ओके गाइस, तो देखो इसके नीचे आपको सिंपल शॉर्ट करना है। इस कैनल के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो आप बस सेल करो और यहाँ तक प्रॉफिट बुक करो। स्टॉप लॉस इस कैनल के हाई पे लगा देना, विदाउट स्टॉप लॉस कभी काम मत करना, ठीक है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि बाइंग के लिए भी देखना पड़ेगा हमको, अगर बाय करना है। फ्यू वगैरह का यूज़ नहीं कर रहा, यूज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा तो हम बाय करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली सेल करके ही प्रॉफिट बुक करेंगे हम। एचडीएफसी लाइफ डन। तो उन्हें चलते हैं सिप्ला पे। यहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा सिप्ला सपोर्ट को टच किया ऊपर गया, सपोर्ट को टच किया ऊपर गया, दोबारा सपोर्ट के पास आया ऊपर गया, दोबारा सपोर्ट को टच करके ब्रेक कर दिया है अच्छे से वॉल्यूम के साथ। ओके, तो अब क्या कहाँ तक आ सकता है, इमीडिएट सपोर्ट जो है वहाँ तक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो सिंपल इसके लो के नीचे हम सीधा वर्क कर देंगे सेल, चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं, आपको लेवल्स देते हैं, बाइंग का सेलिंग का सब कुछ दे देते हैं। ओके, तो गाइस सिंपल इस सपोर्ट के ऊपर आपको बाय करना है, जिस सपोर्ट को आप इसने ब्रेक किया तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो आप बाय करना, और इसके नीचे ये वाला सपोर्ट के नीचे आपको सेल करना है। मैं आज के वीडियो में आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, टारगेट आप क्या करना 1:2 रख लेना, उसके बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जितना हो सके उतना प्रॉफिट बुक करके चलना। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं टीवीएस मोटर पे। तो टीवीएस मोटर पे देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया था, कंटिन्यू ऊपर गया था, पुल बैक लिया हल्का सा ऊपर गया, पुल बैक लिया, बूम ऑल टाइम हाई तक गया था, बट वहाँ से देखो वहाँ से लॉन्ग रिजेक्शन लेकर नीचे आकर क्लोजिंग दे दिया एक ग्रीन कैंडल, इसके ऊपर एक और रेड कैंडल बना था और इसके नीचे क्या एक रेड कैंडल बना है। ओके, मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये रिवर्सल हुआ। ओके, ये रिवर्सल क्या है ये सब के बारे में हम बताएंगे वेबिनार में, लाइव वेबिनार में, इसलिए ज्वाइन हो जाना लाइव वेबिनार के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। तो यहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो रिजेक्शन लेने के बाद ये जो प्रीवियस कैंडल है ये भी अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, और यहाँ पर एक क्या था स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट एरिया था, रेजिस्टेंस एरिया था जो बाद में सपोर्ट बना, तो सपोर्ट को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है। तो 200 मूविंग एवरेज तक ये आ सकता है इजीली। ओके, तो हमारा टारगेट होगा 200 EMA तक इसका प्रॉफिट लेना, लो को मार्क कर लिया। अब चलते हैं सीधा डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं। तो ओके गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे भी ये 200 मूविंग एवरेज के पास में ही है, तो इसको ब्रेक करके नीचे जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे। सेल करो या ऑप्शन में पुट बाय करो, या ऑप्शन सेलिंग करना है तो कॉल सेल करो या फ्यूचर बाय करो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, जो मन हो वही करो, बस प्रॉफिट आना चाहिए, बात यही है। और मैं हूँ पागल, बार बार लिख रहा हूँ बाय सेल के जगह पर,
और गाइस हाँ, एक साल से मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आपके लिए अच्छा खासा स्टॉक वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ। लोग एक साल में 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर गेन कर रहे हैं और मैं 500 सब्सक्राइबर भी गेन नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं मेरा गलती है या आप लोगों का मेरा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, आप लोग बताते भी नहीं। तो गाइस थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे मेहनत तो मेरे तरफ से पूरा कर रहा हूँ, अगर कुछ समझ में नहीं आप लोग मुझे बताना। आप लोगों का सपोर्ट मुझे ठीक से नहीं मिल रहा है, मैं तो चाहता हूँ बस आप लोग प्रॉफिट बुक करें मार्केट से और कुछ नहीं। लोग तो बहुत मिल जाएगा आपको सिखाने के लिए, बट मैं वो सिखाता हूँ जिससे आपका प्रॉफिट होता है। और मैं हर वीडियो में आपको दिखाता हूँ आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कैसा हमारे एनालिस्ट के हिसाब से मार्केट ने मूवमेंट किया, कल क्या हो सकता है, वो सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ सिखाता हूँ। फिर भी छोड़िए, ये सब बात करके क्या फ़ायदा, जब आपको पसंद आएगा खुद ही आप लोग सपोर्ट करोगे। ओके, अगर आप अच्छे से शेयर वगैरह करते वीडियो को तो कुछ हो जाता शायद। छोड़िए, तो हो गया हमारे TVS मोटर का भी, तो नेक्स्ट चलते इंडस टावर पे। 1, 2, 3, 4 स्टॉक कंप्लीट हो चुका है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। तो ये कौन सा है, ये है इंडस टावर, वीकली चार्ट ओपन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, मार्केट ऊपर गया था, कंसोलिडेशन किया, नीचे आया, दोबारा एक इम्पल्स मूवमेंट है ये। ओके, इम्पल्स मूवमेंट के बाद नीचे गिरा, थोड़ा सा पुल बैक लिया, दोबारा नीचे गिरा और वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है ये, 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। ओके, इसी के साथ एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट वाला जोन था, सपोर्ट जोन को भी इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है। तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट इसके लिए ये होगा, तो यहाँ तक आ सकता है मार्केट, यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसके लो के नीचे ही शॉर्ट कर देंगे और इसका जो टारगेट है इसको भी हम मार्क कर लेंगे, टारगेट ये ले लेते, ज़्यादा नहीं, इसका टारगेट थोड़ा सा स्मॉल होगा गाइस। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, बाइंग और सेलिंग का जो सिग्नल है इसका दे देते हैं। गाइस मैं कॉल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, लाइव ट्रेडिंग भी करवाता हूँ और ट्रेनिंग भी देता हूँ गाइस। ओके, कोई टिप्स प्रोवाइडर जैसा काम नहीं है हमारे पास कि इतना पैसे देकर ज्वाइन हो जाओ, हम कॉल्स देंगे, ये करेंगे, वैसा नहीं। हमारे प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है आपको, कुछ अगर आपको पता नहीं है तो वो सिखाया भी जाता है। ओके, तो गाइस इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, इसके नीचे आपको शॉर्ट करना है, ये आपका फर्स्ट टारगेट बन जाएगा। और अपसाइड के लिए अभी बताते हैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलकर। ओके, तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चलकर आपको, तो गाइस एक काम करना, आप बताते हैं अभी, इसके नीचे आप शॉर्ट करना। और अगर आपको बाय करना है इस स्विंग, ये वाला स्विंग के ऊपर, स्विंग हाई के ऊपर आप बाय कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्टॉप लॉस जरूर लगाना गाइस, स्टॉप लॉस जरूर लगाना, रिसीवर रेशियो 1:2 रखना। स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाओगे, एवरेज स्टॉक पे मैं बता देता हूँ आपको। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है तो पर ट्रेड आप 2000 का लॉस लेना, इससे ज़्यादा नहीं। ओके गाइस, 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको अगर आप न्यू हो। ओके, अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आप 4 से 5% रिस्क ले सकते हो, इससे ज़्यादा कभी भी रिस्क मत लेना पर ट्रेड में। ओके गाइस, ध्यान देना, और ओवर क्वांटिटी कभी भी बाय मत कर लेना कोई भी ट्रेड पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये सब मेंटेन करके ही बाय करना। और स्टॉप लॉस अगर चार्ट देखकर लगाना है, आपके कैपिटल के हिसाब से कैसे लगाना है बता दिया। अगर आपको क्या करना है, चार्ट देखकर लगाना है, तो इसके ऊपर अगर आप बाय कर लिए हो तो जो ये नेक्स्ट सपोर्ट है, ओके यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, इसके बिल्कुल नीचे, हल्का सा नीचे आप स्टॉप लॉस लगाना। ओके, अगर आपको सेल करना है तो इसके नीचे सेल करोगे और प्रीवियस जो कैंडल है इसके हाई पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। अगर प्रीवियस कैंडल का लेंथ थोड़ा ज़्यादा है तो इसके बीचों बीच आप स्टॉप लॉस लगाना। ओके, तो मैंने बता दिया, आप बाद में मुझे बोलना कि स्टॉप लॉस नहीं दिया, क्या नहीं दिया, सब कुछ मैंने बताया। और स्टॉप लॉस हिट होता है तो री एंटर करने में हड़बड़ाना मत, री एंटर कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, डरना नहीं है शेयर मार्केट में, लॉस होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट को लॉस ले जाने दो, डबल प्रॉफिट भी लेके देगा मार्केट। ओके गाइस, तो गाइस आज के लिए इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ताकि इन फ्यूचर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है।